सो दिस इज योर लेक्चर नंबर थर्ड. और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सपोज आपका सेंटर है, ठीक है, और ये वो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको उसका वेलोसिटी दिखाना है तो आप कैसे दिखाते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट, इस तरीके से. सो हम बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ऑलवेज चेंजेस. क्यों बोल रही हूं मैं ऐसे, देखो वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, एक आपके पास होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है आपके पास डायरेक्शन, राइट. सर्कुलर मोशन में हो सकता है मैग्नीट्यूड ना बदल रहा हो, एक हो सकता है एक स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जिससे ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो बदले ही बदलेगा. इसलिए हम बोलते हैं इनमें से कोई भी एक चीज बदलती है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, कोई भी एक सिंगल चीज बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगी. मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज बट डायरेक्शन विल ऑलवेज चेंज. इसलिए हम बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी, ऑलवेज चेंजेस. सो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर लेते हैं, एसी. एसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, वी स्क्वायर बाय में आर. आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. एंड डायरेक्शन क्या है इसका बताइए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर. डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस. क्लियर है ये चीज सबको, यस और नो बोलते जाओ फटाफट. यस मैम. सेकेंड एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा वो था आई थिंक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट. यस मैम. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट हम एटी से करते हैं. होती क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी देखो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम एटी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको लिखते कैसे, एटी इज इक्वल टू डी चेंज इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए आपने क्या किया, उसको ऐसे मॉड्यूलस में लिख दिया, डी वी बाय में डी टी. यही होता है ना, चेंज इन स्पीड बाय में चेंज इन टाइम. ये एटी हो गया. इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर इसका डायरेक्शन आपको चेक करना है, इफ स्पीड इंक्रीजेस, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है, देन एटी इज अलोंग स्पीड. स्पीड जिधर है उसी तरफ, मान लीजिए स्पीड बढ़ रहा है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड है, देन 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसी की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एटी होगा. अगर आपके पास स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इफ स्पीड डिक्रीजेस, देन 80 अपोजिट टू स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड घट रहा है तो जो 80 लग रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. सो दो दो एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड. अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कौन सा किया, नेट एक्सेलरेशन, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट. मैम हाँ जी बेटा. मैम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल यही है, अगर मान लो आपने कोई धागे से एक पत्थर को बांधा है, ठीक है, आपने फोर्स लगा के उसको गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाया, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि उसका जो जो स्पीड होगा, जो टेंजेंशियल स्पीड होगा, वो आपने सेम दे रखा है. मान लीजिए आपने और जोर लगाया, वो और तेजी से भागने लग जाएगा, राइट. यानी कि वहां पर अब क्या हो रहा है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपने बढ़ा दिया है, ठीक है. आप इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि भाई ठीक है, एक एक्सेलरेशन तो इनवर्ड लग रहा है क्योंकि एक डायरेक्शन बदलता है, बार बार डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन कौन बदलेगा, कुछ तो फोर्स लग रहा है ना अंदर की तरफ जो उसका डायरेक्शन को बदल रहा है, वो है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. अब वो आगे की तरफ भी ऐसे हर बार मूव कर रहा है, उसके लिए कौन सा फोर्स, कोई फोर्स जिम्मेदार है, एक फोर्स है, तभी वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है. तो कोई भी चीज का आप सोच सकते हैं, मान लो कोई भी इसका और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई एक ब्लॉक है जो आपने किसी मान लीजिए कोई, अगर मैं इसका वैसे एग्जाम्पल दूं, मान लो ये आपके पास क्या है, एक डेथ वेल का हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है. उसमें क्या है, एक मोटरसाइकिल, जो सर्कस में आपने देखा हो कि मोटरसाइकिल जो होती है उससे वो गोल गोल घूमते हैं, देखा है सबने,
तो जो वो मोटरसाइकिलिस्ट चला रहा है, वो गोल गोल जो घूम रहा है, उसके अंदर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है। अब वो तो मोटरसाइकिल वाले के हाथ में है ना कि वो स्पीड कितना करेगा, वो कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो मैग्नीट्यूड जो बदल रहा है सर्कुलर मोशन में, उसके लिए जो एक्सेलरेशन जिम्मेदार है वो कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या आप बोल सकते हो भाई, अगर आप सर्कल में चल रहे हो, सर्कल में चलाते हुए आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो या घटाते जा रहे हो, तो स्पीड बढ़ना और घटना विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। उल्टा भी बोल सकते हो, स्पीड बढ़ रही है तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है, या स्पीड घट रही है तभी तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन स्पीड बाय में चेंज इन टाइम। आई बात समझ में? यस मैम। सो दो हमने कर लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल। थर्ड था हमारे पास नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। ठीक है, ये क्या होता है? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस में ए टी स्क्वायर। अभी देखो, आपने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। अगर वी बढ़ रहा है आपके पास, इधर ही आपके पास ए टी लगता है, ठीक है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इनका रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 वाला टर्म गायब, तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस में ए टी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होगा, बता सकते हो? जो इसका डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहां आएगा। मान लीजिए इस जो एटी है, इधर एटी है ना आपके पास, इधर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये एटी है और ये एसी है, और इनका रिजल्टेंट है कुछ ऐसे, एंड इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा विद एटी। तो हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या आता है बेटा? एसी बाय में एटी। यही होगा, ये बात सबको क्लियर है? एसी बाय में एटी निकालना आता है ना। यहां देखो, ये एक वेक्टर है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेक्टर्स में पॉसिबल होती है चीज। एसी को उठा के आप यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस एसी, ये आपके पास क्या होगा? 90। ये एंगल हो गया आपके पास अल्फा। अगर यहाँ पर पी बाय भी आप निकालेंगे तो दिस एसी बाय में 80, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट अल्फा। इस तरीके से आप डायरेक्शन बताएंगे। क्लियर है सबको ये चीज? फोर्थ यस जो मैम। था वो हमने किया था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। यही होता है ना। हमने देखो कुछ चीजें करी है। थीटा इज इक्वल टू, आपके पास जो एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर्क लेंथ बाय में रेडियस, ठीक है। सो आप लिखते हैं एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये है आर्क लेंथ, ये आपके पास थीटा, ये आर, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू में रेडियस। ऐसे ही आपने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू में रेडियस। ऐसे ही आप पढ़ते एक एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू में रेडियस। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेलरेशन ये है कौन सी? आपने बहुत सारी पढ़ी है, एटी पढ़ा है, एसी पढ़ा है, ए नेट है, ये कौन सी एक्सेलरेशन होती है? एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा आप एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा को, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा वाई में डी टी। लीनियर से आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपके पास ए होता है वो क्या होता है? डी वी बाय में डी टी। वैसे ये अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय में डी टी। तो ये सारी चीज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका डायरेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपका जो सर्कुलर मोशन है वो कुछ इस तरीके से है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है? ओमेगा का डायरेक्शन हम अपने पैरेलल राइट हैंड पाम रूल से यूज करते हैं। डायरेक्शन की अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब विल गिव ओमेगा, राइट। तो इसका डायरेक्शन ओमेगा का किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे ओमेगा का डायरेक्शन। सो अगर आपके पास ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा की पैरेलल ही होगा, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा। अगर मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन सेम ओमेगा वाला ही होगा। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी अगर आपके पास डिक्रीज कर रही है, उस केस में अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट टू ओमेगा हो जाएगा। इसको हम ओमेगा बोल देते हैं।
पता ना ये चीज। सो ये चीज याद रखोगे आप, इसको हम चेक करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, चेक बाय एंगुलर वेलोसिटी। कैसे चेक करेंगे? राइट हैंड पाम रूल से अपने फिंगर्स को मोशन के अलॉन्ग घुमाएं, थंब किधर पॉइंट करता है? टुवर्ड्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है देन अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो अल्फा इज अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चार मेजर एक्सेलरेशन हमने किए थे, ये उसका सारा समरी है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई समस्या? क्लियर है यहां तक? अब जो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज का हमारा फोकस रहेगा सेंट्रिपिटल फोर्स पे। जो आज करेंगे बेटा वो करेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। पढ़ा ना सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये डायनेमिक्स क्या होती है देखिए, एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कैसे ये रिलेटेड है, ये तो हो गया अलग। अभी इनका कारण क्या है वो होता, वो पार्ट जो आता है वो आपका काइनेमेटिक्स में आता है, इनका रीजन क्या है वो चीज हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या कि आप सर्कुलर मोशन में लगने वाले सभी फोर्सेस को पढ़ेंगे, ठीक है। और मोशन का कारण क्या है, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रीजन क्या है। सो यहां पर आप क्या पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन एंड रीजन ऑफ मोशन, एंड रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहां जो मेजर फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रिपिटल। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन के अंदर है इसका मतलब उसका वेलोसिटी तो बदलता है, ये बात पक्की है ना। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी को हम ऐसे दिखाएंगे, राइट। वेलोसिटी क्या होता है, जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ऐसे ही दिखाएंगे ना। मान लो ये सेंटर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। सो इन सर्कुलर मोशन जो चीज डेफिनेट है वो क्या, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, राइट। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो आपके पास क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जिसका वैल्यू अभी हम लोगों ने रिवाइज भी किया। एसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर इसका फॉर्मूला होता है, एंड इट इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन अगर है तो उसको लाने वाला कोई फोर्स होगा ना। एक्सेलरेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन, कोई ना कोई फोर्स है। यहां जो फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। सो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, इफ देयर इज एक्सेलरेशन देन देयर इज फोर्स व्हिच इज responsible for this acceleration, ठीक है। कोई ना कोई फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स होता है आपके पास मास इनटू में एक्सेलरेशन। आपने किसी ब्लॉक पे धक्का लगाया, ठीक है, उसका क्या होगा, मोशन में आ जाएगा ना वो। मान लीजिए किस वो रेस्ट पे रखा था, उसका velocity, उसका जो स्पीड है वो बदल गया। अब स्पीड बदलना विद टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन को जन्म कौन दे रहा है, फोर्स दे रहा है। So if there is acceleration, then there is force which is responsible for this acceleration. Acceleration. अब direction क्या होगा इस force का?
यहां पर जो डायरेक्शन डायरेक्शन फोर्स का कौन सा होता है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, ये देखिए ऐसे दिखाएंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हमने ये चीज पढ़ा थी क्या कि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से है, और एसी का डायरेक्शन किधर आता है बताइए, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, यही आता है ना। सो जिस तरफ वो आ रही है उसी तरफ आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑल्सो टुवर्ड सेंटर एंड अलोंग रेडियस। क्लियर है ये चीज? सो ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बहुत स्लो चल रही हूँ, तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो एसी पढ़ रहे हैं, एसी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर है, डायरेक्शन किधर है इसका, टूवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, ठीक है, दिस इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is towards center along radius. ये बात सबको क्लियर है? रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ये बात सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप करो अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो। हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी नरगिस बोलो बेटा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलो मैम। क्या क्या कुछ आवाज ही नहीं आई, लिख दो बेटा जो भी प्रॉब्लम है। हेलो प्रियंका, हेलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना जो भी प्रॉब्लम है चैट में लिखो, ठीक है। सो अभी रिवाइज करा दूं फटाफट, क्या लिखा है हम लोगों ने, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदले ना बदले बट डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज है। डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन ऐसे ही नहीं आती, एक्सेलरेशन के लिए कोई फोर्स जिम्मेदार है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोल रहे हैं। जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन है, सिंपल, ठीक है। हाँ जी क्लियर, आगे चलें। विशेष आगे चलें बेटा, ओके फाइन। So, यहां से देखो अब फोर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। आप सेंट्रीपेटल फोर्स की बात कर रहे हो तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कर देते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आपको पता है क्या है कि वी स्क्वायर बाय में आर है। सो दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स, दिस इज व्हाट सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हो, आपको पता है बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय में आर। सो एक आर से आर कटेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंड आई एम 100% श्योर आपने ये एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी स्क्वायर बाय आर जरूर अपना 9th-10th के सिलेबस में भी देखा होगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स बताती हूँ मैं आपको क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग को पकड़ा, इस पे एक स्टोन को बांधा एंड आपने इसको घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये घूमेगा, डायरेक्शन बदलेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा एंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा, सेंट्रीपेटल फोर्स, किधर है वो, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। अब अपना सेंटर क्या हो जाएगा, जहां से आपने उसको घुमाना शुरू किया ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये रेडियस हो गया, क्लियर है ये चीज? अब सेंट्रीपेटल फोर्स में बोल रही हूँ टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, ऐसे ही है ना, इधर ये आपका एफ सी है एंड एक स्ट्रिंग के अंदर
ये फोर्स कहां से आ रहा है? एक स्प्रिंग खिंची हुई है तभी तो वो घूमेगी ना। मान लो आपने किसी भी चीज को, कोई भी चीज आप घर में एक सर्कुलर मोशन में करके देखें, क्या होगा कि वो ऐसे बिल्कुल टाइट जो है स्ट्रिंग होगा। अगर वो ढीला होगा तो वो सर्कुलर मोशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर प्रॉपर आपने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल टाइट रखेंगे। मान लो ऊपर हाथ करके ऐसे घुमाएंगे तो बिल्कुल खिंचा हुआ होता है। जो खिंचता है स्ट्रिंग, उसमें क्या होता है, टेंशन होता है। सो यहाँ पर टेंशन जिम्मेदार है सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। कहाँ से आ गया? टेंशन की वजह से आया। टेंशन किधर होता है? अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है अपने पास? टेंशन। ये क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग। अभी देखो ये कैसे कैसे बदलेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, अभी नेक्स्ट में बताओ मुझे क्या होगा। देखो अगर मान लो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन, वो घूम रहा है। कौन घुमा रहा है उसको? हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, वो घूम रहा है, घुमाने के लिए कोई फोर्स जिम्मेदार है, क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है जो इस डायरेक्शन में लग रही है। उधर ही आपके पास एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी आएगा। तो फोर्स कहाँ से आएगा? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही आपके पास क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेंट्रीपेटल फोर्स। एक और एग्जांपल देते हैं, आपका जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, ये आपके पास सन है, एंड मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है और ये घूम रहा है इस तरीके से, सर्कुलर मोशन मान लेते हैं हम लोग, एग्जैक्ट सर्कुलर होता नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अर्थ ये घूम रहा है, यहाँ पर जो ये घूम रहा है ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो है, एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो कोई फोर्स जिम्मेदार है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स है दो प्लैनेट्स के बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपके पास क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। जब हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े, न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़े, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, वहां पर हम लोगों ने सेंट्रीपेटल फोर्स का अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया था। सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, देयर इज सम नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्वेश्चन यहीं से आपके सॉल्व होने। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, यहीं पर लिख देते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। देयर इज सम फोर्स, देयर इज सम नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड सेंटर विच इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कि हो सकता है एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा, अभी एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, उस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ एक फोर्स है, अंदर की तरफ फोर्स है, एंड इट इज इन मूविंग इन सर्कल। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम निकालते हैं नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है। जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ निकलता है उसी का नया नाम क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस पॉसिबल हैं आपके पास। स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, टेंशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ठीक है। इन्हीं फोर्सेस, ये फोर्सेस अगर सेंटर की तरफ लग रहा है, मान लीजिए नेट फोर्सेस जो भी लग रहा है सेंटर की तरफ, उसी को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। दिस इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए मान लीजिए ये तीन ब्लॉक्स 1 kg, 2 kg, 3 kg मैंने बांधे स्ट्रिंग से, एंड मैंने इस रोड पे बांधे और रोड को मैंने जोर जोर से रोटेट करना शुरू किया, ठीक है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये सारे के सारे ब्लॉक भी घूमेंगे साथ साथ, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई क्वेश्चन में क्या है कि घूम रहे हैं तीनों ब्लॉक, एक 1 kg का, एक 2 kg का, एक 3 kg का है, और कितने कितने डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से? ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, और ये 3 मीटर पे है। क्वेश्चन क्या है? टेंशन निकालना है सभी स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। तो टेंशन की बात करें, अगर हम यहां बात करते हैं, अगर इस स्ट्रिंग की बात करें, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट के अवे होता है। अगर यहां देखेंगे तो टेंशन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, मान लेते हैं इसको टी। अगर इस ब्लॉक की बात करें तो टेंशन किधर लगेगा बेटा? इधर लगेगा, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, टी1। स्ट्रिंग बदलते ही टेंशन बदल जाएगा।
अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इससे अवे इधर भी तो स्ट्रिंग बना हुआ है ना, ये टी वन होगा। अगर इस ब्लॉक की बात करें, स्ट्रिंग बदल गया, तो यहां पर इससे अवे टेंशन टी टू, इस तरफ टी वन लगी रहा है। अगर 3 kg की बात करें, स्ट्रिंग यहां पर सेम है तो यहां पर टेंशन टी टू। ये टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे, बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? जब करो अगर क्लियर है तो ओके फाइन। सो यहां पर देखिए, टेंशन हमेशा याद रखें, स्ट्रिंग बदलेगा तो टेंशन बदल जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर रहे हो उससे अवे होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर आपके पास स्ट्रिंग की बात करें, ये एक स्ट्रिंग है, इसके लिए एक इधर टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग बदल गया, एक इधर टेंशन लगेगा। अभी हम 3 kg को ऑब्जर्व करते हैं, केस नंबर वन। पहला हम केस करते हैं ब्लॉक ऑफ 3 kg। ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, टी टू। इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक ही फोर्स लग रहा है जो इसके ऊपर है, वो कौन सा है? टी टू, ठीक है। और ये घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी तीनों ही ब्लॉक सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे ना, ओमेगा क्या होता है? डी थीटा वाई में डी टी होता है। अगर ये तीनों इकट्ठे बंधे हुए हैं और ये चल रहे हैं, मान लो पहला जो ब्लॉक है वो 10 डिग्री घूमा, तो अगला भी 10 घूमेगा और उससे अगला भी 10 घूमेगा, तीनों एक साथ घूम रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं। सो सभी के लिए ओमेगा सेम है, इसके लिए भी ओमेगा सेम है, इसके लिए भी ओमेगा सेम है, इसके लिए भी ओमेगा सेम है, पहली बार, ठीक है। अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। कोई अलग से कोई फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, जो भी आपको दिख रहा है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल, तो उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। अब ये 3 kg तो सर्कल में घूम रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? सेंट्रिपिटल फोर्स जिम्मेदार है, यानी कोई ना कोई नेट फोर्स है टुवर्ड सेंटर, वो फोर्स कौन सा लग रहा है? इस पे एक टी टू ही लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू टेंशन टी टू, जो इसको सर्कल में घुमा रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी टू। हमें टी टू निकालना है, टेंशन निकालना है। मास कितना है इस ब्लॉक का? 3। रेडियस कितना है इस 3 kg वाले का, बताओ? रेडियस कितना लो इसके लिए? एक्सिस से 3 आगे ना, थ्री यस। एंड ओमेगा की वैल्यू नहीं दे रखी, ओमेगा की वैल्यू ले लीजिए 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? ये 4 इज इक्वल टू T2, कितना आ गया? 36, ठीक, 36 न्यूटन, ठीक है। 36 न्यूटन आपके पास टेंशन लग रहा है किस पे? ब्लॉक 3 kg पे। अब मुझे आप लोग निकाल के बताओ, ब्लॉक ऑफ 2 kg पे कितना टेंशन लगेगा? ये आपका मैम 16 न्यूटन, 16 निकाला, लेट मी चेक। नहीं बेटा, 16 नहीं आएगा, दोबारा कैलकुलेट करो। दोबारा कीजिए, देखिए अब 2 kg पे ना दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टी टू भी लग रहा है और एक टी वन भी लग रहा है। आपको नेट फोर्स किधर देखना है? जो सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? टी वन माइनस में टी टू, ठीक है। तो ये आपके पास ये ब्लॉक अगर मान लीजिए 2 kg वाला ब्लॉक है, तो इसके ऊपर एक इधर फोर्स लग रहा है कितना? टी टू। एक इधर लग रहा है टी वन। एंड मैं क्या बोल रही थी? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन में तो चल ही रहा है, तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स कितना बन रहा है? टी वन माइनस में टी टू। सो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स है। अब यहां सेंट्रिपेटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम कितना है बेटा? 2 है यहाँ पे। अब रेडियस कितना हो जाएगा 2 kg वाले के लिए? 2 मीटर। एंड ओमेगा 2, 2 2 4, ओमेगा स्क्वायर है ना। सो यहां से एक चीज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टी टू। तो टी वन कितना हो जाएगा आपके पास? 4 2 2 16। आपने अच्छा सिर्फ एक टेंशन निकाल दी, तो 16 प्लस में टी टू, यानी 16 प्लस में 36, ये हो जाएगा आपके पास 52 न्यूटन। क्लियर है जी सबको? आपने सिर्फ एक टेंशन निकाला ना, लेकिन उसके ऊपर एक और भी तो टेंशन लग रहा था, वो आपने कंसिडर ही नहीं किया। तो आपको नेट देखना है, नेट टूवर्ड सेंटर निकालना है। अब मुझे बताओ लास्ट ब्लॉक के लिए, 1 kg ब्लॉक के लिए आप लोग निकालोगे सभी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे आंसर बताओ।
56.56, very good. Yes, 56 is the राइट आंसर. ब्लॉक ऑफ 1 kg. अभी देखो 1 kg पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है T1, एक इधर लग रहा है T, और ये 1 kg हो गया. और ये कितना दूरी पे है, कितना बड़ा सर्कल है इसका, 1 मीटर रेडियस का सर्कल है ये. सो ये 1 मीटर हो गया. सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, तो ये T माइनस में T1, दिस इज इक्वल टू FC, यानी mr ओमेगा स्क्वायर. टी निकालना है हमको, तो T1 प्लस में mr ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर T1 कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला है 52. प्लस में मास कितना है बेटा, 1. रेडियस कितना है, 1. ओमेगा 4 हो जाएगा, 2 2 4. सो ये 52 प्लस 4 हो गए, यानी कि 56 न्यूटन हो गया. क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम. तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपके पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है. जो भी फोर्सेस नेट टुवर्ड सेंटर लग रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल, उसी फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है? यस विवेक बोलो बेटा. अच्छा, मैम ये mr ओमेगा स्क्वायर कैसे आया था ये बता दो एक बार. देखो हम लोगों ने लिखा था सेंट्रिपिटल फोर्स होता है मास इनटू फोर्स. तो देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मास इनटू में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. एम इनटू में एसी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय में आर. एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं. दूसरा आप क्या कर सकते हो, वी की जगह आप आर ओमेगा भी तो पुट कर सकते हो ना. सर्कल में जब भी कोई चीज ट्रेवल कर घूम रही है तो जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, उसमें संबंध क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये आप पुट कर सकते हैं, एम वी की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वी स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय में आर. एक आर से आर कटेगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बन गया. क्लियर है? Yes, तो मैम ये ओमेगा वेलोसिटी होती है ना. यस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ठीक है, अभी ये कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले. अच्छा सर, चलो एक सवाल और पूछती हूँ मैं इसी के अंदर. आपने देख लिया इसमें कितनी कितनी टेंशन लग रही है. कौन से वाला स्ट्रिंग के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा है बताओ. सबसे मैम सबसे पहले वाले हैं. पहले जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन लग रही है, सेम मटेरियल है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन लग रही है उसका टूटने का चांसेस सबसे ज्यादा है. तो आपके पास 1 kg वाला, वैसे भी आप सोच सकते हो कि वो बाकी को भी झेल रहा है. ठीक है, बाकी 2 ब्लॉक्स भी उसके साथ अटैच है. सो यहाँ पर टूटने के चांसेस किसके हैं, 1 kg वाले ब्लॉक वाला जो स्ट्रिंग है जो एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसके अंदर फोर्स ज्यादा लग रहा है. अब आगे चलते हैं हम लोग. अब आपका एक टॉपिक आता है कॉनिकल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम तो सबको पता है, सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते हो ना. मान लो ये आपके पास ऐसे फिक्स कर दिया मैंने और यहां से मैंने एक थ्रेड के साथ एक बॉब लटका दिया. मान लो इसका लेंथ क्या है, एल है, बॉब का मास एम है. तो क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा अगर स्लाइटली इसकी पोजीशन से हिलाते हैं तो ये ऐसे ऐसे चलता है. इसी को आप पेंडुलम कहते हो ना, जैसे घड़ी में भी आपने देखा है कि जो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, उसको आप पेंडुलम कह रहे हो. तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आप लोगों ने आई थिंक निकाला हुआ है जब हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन किया था, वो आता है 2π√L/g. एल क्या है, इसकी वर्टिकल लेंथ है. यहां से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, यहां से बॉब के सेंटर तक का जो लेंथ है वो एल है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये टाइम पीरियड क्या होता है, 1 साइकिल, मतलब जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर गया वापस आया फिर इधर गया फिर इधर आया इधर आया. तो मीन पोजीशन से शुरू होके ऐसे यहां से गया इधर फिर वापस फिर इधर फिर वापस, ये 1 साइकिल होती है, ये इसका टाइम पीरियड होता है. तो कॉनिकल पेंडुलम क्या है, नाम से कुछ आइडिया हो रहा है, कॉनिकल कोन. क्या करते हैं आप, यहां से मान लीजिए आपने इसको पकड़ा, ये आपका थ्रेड वर्टिकल, थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ये मान लीजिए आपने ऐसे इसको पकड़ा और आपने क्या किया, उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया. देखो सिंपल पेंडुलम कैसे चल रहा था, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, कॉनिकल पेंडुलम ऐसे चल रहा है. मतलब मान लो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके साथ एट सम एंगल थीटा आपने ले लिया, अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो.
सेम थीटा के, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ले रहे हो और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या एक कॉन नहीं बन रहा? बन रहा है, नहीं बन रहा? और नीचे एक सर्कल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। सो ये इस तरीके से रोटेट करेगा ऐसे। ये जो एंगल बना रहा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम? थीटा। ये बात सबको क्लियर है? तो हम ये अगर इसका थोड़ा डायग्राम आपको क्लियर हो तो ये वाली हटा देते हैं हम। ये सेंटर ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है उसका सेंटर, सेंटर से आपने सीधा क्या करा, ये वाले पॉइंट से अटैच कर दिया। और ये पेंडुलम सपोज यहां है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है उसका? ओरिजिनल लेंथ है एल। ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ये जो बन रहा है ये चीज क्या है आपके पास? रेडियस है। ये बात सबको क्लियर है? जो जो इस पे चीजें लग रही, क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, उसको वर्टिकल एक्सिस के साथ, ये वर्टिकल एक्सिस है, उसके साथ आपने एंगल थीटा लिया एंड यू आर मेकिंग अ कोन, जैसे बर्थडे कैप होती है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल चल रहा है, एक सर्कल घूम रहा है, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, उसको याद करने का एक तरीका है, 2π अंडर रूट एल कोस थीटा बाय में जी। यहाँ जो एल होता है ना, ये होती है वर्टिकल हाइट, एल इज वर्टिकल हाइट, ठीक है। सेंटर से मतलब जहां आपने इसको फिक्स किया वहां से यहाँ ये जो सीधी वर्टिकल हाइट बनती है, ये आपके पास वर्टिकल हाइट बोल रहे हो या वर्टिकल लेंथ बोल सकते हैं, ये होती है। So, यहां पर आपके पास वर्टिकल लेंथ क्या होगी? एल होगी या एल कोस थीटा होगी? इसका इधर कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा? ये एल कोस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आएगा इसका? 2π अंडर रूट एल कोस थीटा, एल कोस थीटा इज वर्टिकल लेंथ, वर्टिकल लेंथ या वर्टिकल हाइट कुछ भी बोलो। ये बात सबको क्लियर है? अब देखो इस बॉब को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इसका वेट, जो कि किधर लग रहा है? नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, एम जी, मास मान लेते हैं इसका एम जी। हमको जो वेरिएबल्स पता है, एक तो एम पता है, एक थीटा पता है और एक एल पता है, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट दिस सेटअप। सो यहाँ पे एक एम जी लग रहा है, ठीक है। एक टेंशन लगेगा, ये थ्रेड है ना जिसको आप घुमा रहे, तो टेंशन तो आएगा ना, अवे फ्रॉम द बॉब टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, कहाँ तोड़ेंगे देखिए। मान लीजिए ये आपके पास ऐसे, मैंने एक लाइन बनाया, अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? दोनों पैरेलल लाइंस है ना, और एक लाइन काट रही है, सो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो टी के कंपोनेंट अब अगर हम लें तो एक बनेगा टी कोस थीटा, जो कि ऊपर की तरफ है, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। ये बात सबको क्लियर है? तो अब सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स है, टी साइन थीटा या टी कोस थीटा, बताओ जरा, बोलिए। उसको सर्कल में घुमा रहा है ना कोई फोर्स, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है, एसी तो होगा। एसी का ओरिजिन क्या है? कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन सा फोर्स का कंपोनेंट दिख रहा है आपको टुवर्ड सेंटर? टी साइन एम टी साइन थीटा। यस, तो टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है उस हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए। दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। एफ सी का वैल्यू आप पुट कर सकते हो एम वी स्क्वायर बाय में आर भी लिख सकते हैं, मान लो वी स्पीड के साथ वो चल रहा है। अच्छा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा कि नहीं होगा? अभी ना ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो ऐसे सर्कल में चल रहा है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट फोर्स का और नीचे वाला कंपोनेंट फोर्स का बराबर होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका कोई मोशन ही नहीं है। तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, सो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाय में कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बाय में एम जी। एम से एम कट गया, क्या बच गया आपके पास? वी स्क्वायर बाय में आर जी। अब मेरे पास जो मैंने आपको रेड में पहले बताया, ये देखो, ये जो चीज है कि वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, मास पता है, थीटा पता है, एल पता है, आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
आर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो जरा, यही वाला ट्राइंगल दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज, ये आप बोल रहे थे एल है, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है एल, ये एंगल थीटा था, इसका इधर कंपोनेंट ये कितना बताया आपने एल कोस थीटा, ये कितना होगा एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अच्छा चलो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसका कंपोनेंट इधर एल कोस थीटा है तो एल साइन थीटा इधर दिखा सकते हो ना, एंड उसका पैरेलल आप नीचे दिखा सकते हो। देखिए क्या किया है, ये आपके पास एल है, ये आपके पास थीटा है, तो इसका इसके साथ कॉम्पोनेंट एल कोस थीटा आएगा और इधर कंपोनेंट आता है एक एल साइन थीटा। सो ये आपके पास अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये आपके पास रेडियस है ना बेटा, ये वाला जो रेडियस है वही तो आपके पास एल साइन थीटा है कि नहीं बराबर। अच्छा अगर दूसरा तरीके से, अगर आपको ऐसे कंपोनेंट में नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप निकाल के देख लो क्या, आप निकालो साइन थीटा, मान लो ये आपके पास एंगल 90 है ना, तो साइन थीटा निकाल के देखो, ये थीटा है ये आपके पास 90, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ये और ये आपके पास रेडियस है आर, मान लो या कैपिटल आर, जैसे मैंने कैपिटल आर माना यहाँ मैंने आर रखा है, तो इसको भी आप स्मॉल आर कर लो ठीक है। तो स्मॉल आर रेडियस परपेंडिकुलर है पाई में हाइपोटन्यूज कितना है एल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एल साइन थीटा। एंड सबसे इजी तरीका क्या था कि एल के आपने कॉम्पोनेंट करे तो ये जो लेंथ बनेगी ये क्या एल कोस थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है एल साइन थीटा, यू कैन ट्रांसलेट अ वेक्टर, तो एल साइन थीटा ये, तो ये भी एल साइन थीटा होगा इस ट्राइंगल के अंदर। जब भी आप याद रखो ऐसे आप कंबाइन कर रहे हो ना ट्राइंगल को, ये ऐसे ऐसे कंबाइन हो रहा है, सो एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बनता है और यही कंपोनेंट ये है। क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है तो बताओ थम्स अप करो अगर क्लियर है तो। ओके फाइन, सो अभी इस चीज को हम यूज करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है। आर की जगह हम लोग अब एल साइन थीटा को पुट करते हैं, सो यहीं पर पुट करके देख लेते हैं, साइन थीटा बाय में कोस थीटा दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में आर की वैल्यू कितनी है एल साइन थीटा। कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखो कहाँ गड़बड़ किया हम लोगों ने, टी साइन थीटा बाय टी कोस थीटा ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, नहीं ठीक है, ये मैंने रखा है वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, आप इसको पुट कीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर में, एक्सप्रेशन इससे भी आ जाएगा बट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर भी तो फॉर्मूला है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां से देखो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जब साइन थीटा बाय कोस थीटा करेंगे आप यहाँ पर आएगा आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी ठीक है। यहां से आप देखिए जब आप पुट करेंगे आर की वैल्यू तो साइन थीटा मेरा सीधा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है साइन थीटा मेरा सीधा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप पुट करेंगे आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय में जी। सो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया ना, यहां से आपके पास ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा क्या होगा आपके पास जी बाय में एल कोस थीटा का अंडर रूट। ये वाला एक्सप्रेशन सबको समझ में आए, बस हमारा ये टॉपिक हो गया है यहाँ से, देखो जरा ये समझ में आया, अगर समझ में आया तो थम्स अप करो ठीक है। हमने क्या किया, सेंट्रिपेटल फोर्स के दो फॉर्म है, एम वी स्क्वायर बाय आर है, एक आपके पास क्या है एम आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ओमेगा की फॉर्म में चीजें हैं या वी की फॉर्म में चीजें हैं आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं ना एक दूसरे में। सो यहाँ पर क्या किया मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर में ले लिया, क्योंकि उससे मेरा जो चीजें हैं वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो रही है, यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आती है एल साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय में एल कोस थीटा। अब आपको पता टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक टू पाई बाय में ओमेगा, अगर नहीं पता तो इसको याद कर लो, टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा अभी आप लोगों ने निकाला कितना है अंडर रूट जी बाय में एल कोस थीटा
अंडर रूट जी बाय में एल कोस थीटा, तो एल कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, बाय में जी नीचे आ गया। क्या मेरे पास यही फॉर्मूला नहीं आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा। एल कोस थीटा क्या थी आपके पास? वर्टिकल हाइट। क्लियर है जी सबको? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं थीटा को जीरो कर दू, मतलब मैं उसको विद एक्सिस ऐसे नहीं घुमा रही, मैं थीटा को जीरो कर दू, इफ थीटा इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो आपके पास क्या आएगा? कोस जीरो इज वन, मेरे पास जो ओरिजिनल सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है वही आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय में जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। हाँ जी, इसमें किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, हैंड रेज कीजिए अगर कोई डाउट है इस कॉनिकल पेंडुलम के अंदर आपको। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड, कुछ पैरामीटर्स आपको दे देंगे, एक अननोन होगा, ठीक है, समहाउ दे आर रिलेटेड, आपको पता है आप कैसे रिलेट करना है चीजों को। अब अगला टॉपिक करें, बोलिए। चलिए अब करते हैं डेथ वेल। स्टार्टिंग में मैंने इसका थोड़ा जिक्र किया था, डेथ वेल क्या होता है आपके पास? सर्कस में देखा है ना सबने, कैसे एक सिलेंड्रिकल केज होता है, उसके अंदर गाड़ियां चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, देखा है नहीं देखा बताओ किसी ने सर्कस? यस मैम, यस मैम देखा है। तो अभी वो पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या फिजिक्स लगाते हैं, देखो फिजिक्स हर जगह लग रही है, ऐसे ही नहीं चल रहे वो वहां पे। मान लीजिए वही मैंने एक केज बना लिया सिलेंडर की फॉर्म में, ऐसे इसमें घूम रही है गाड़ियां, और यहाँ आपकी सीट है जहां आप बैठ के देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट से दिखा रही हूं मैं। अब इस बाइक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? अभी सर्कल में घूम रहे हैं, आपको पता है कि जो ये सिलेंडर है ये ऐसे सर्कुलर होगा ना अंदर से, तो सर्कल में घूम रहे हैं, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो जहां ये कॉन्टेक्ट में है, एक तो लगेगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस सरफेस इनसाइड, एक लगेगा आपका इसका वेट नीचे की तरफ। मान लीजिए इसका मास m है, m g, और एक लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी कहां कहीं पर अगर सरफेस कॉन्टेक्ट में है, देर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उस वेट की वजह से वो बाइक जो वो नीचे खिसक सकता है ना, तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर? ऊपर की तरफ। तो दूसरे कलर में दिखा देते हैं, ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब सर्कल में तो ये घूम रहा है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो उसके लिए फोर्स कौन सा जिम्मेदार है? एम जी है, एफ है, नॉर्मल रिएक्शन है। सर्कल में क्या चीज मूव करा रही है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्स कौन सा है आपके पास? सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। तो ये आपके पास क्या है? एफ सी इज इक्वल टू एन। अब एन निकालना है। अभी देखो इस ऑब्जेक्ट का या इस बाइक का टेंडेंसी है नीचे की तरफ खिसकने का ड्यू टू एम जी, है कि नहीं है? है ना? सो नीचे से खिसकने के लिए बचाने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है, राइट? तो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके पास दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक वो होता है जब रिलेटिव मोशन हो जाता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और स्टैटिक वो होता है जो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो स्टैटिक फोर्स का लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो यहां से मैं आपको थोड़ा याद दिला रही हूँ, फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एफ एल, ऐसे पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ एट ए टाइम, मतलब इस समय मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। सो ये जो आपके पास है, ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन की, वैसे वैल्यू क्या होती है इसकी? म्यू इंटू में एन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर आपके पास है म्यू,
जो सरफेस इन कांटेक्ट में है, मान लीजिए बाइक का जो टायर है और जो आपके पास केज का सरफेस है उसके बीच में एक कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। तो यहां से आपके पास म्यू एन हो गया। तो जो नीचे लगने वाला फोर्स है बेटा वो इससे कम या इसके बराबर तक हो तब तक तो चलेगा। अगर नीचे लगने वाला जो वेट है या जिसको आप फोर्स बोल रहे हो वो अगर ज्यादा हो गया तो वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो हमको क्या चाहिए कि जो ये एम जी है वो हमेशा छोटा रहे इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल्स टू, एम जी इज लेस देन इक्वल टू एफ, यानी एम जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है, एफ सी। इसको आप क्या लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर बाय में आर। मान लीजिए जो उसका लीनियर वेलोसिटी है वो वी है और इस सर्कल का जो ये सिलेंडर है सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर है। तो यहां से आप क्या पुट कर सकते हो, एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम वी स्क्वायर बाय में आर। सो मास से मास कटेगा। हमें स्पीड का वो कंडीशन निकालना है जिससे हमें ये पता लग जाए वो सेफली उसके अंदर घूमे और वो गिरे नहीं। सो वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय में म्यू। मैंने थोड़ा रीशफलिंग कर लिया कि वी स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय में म्यू, यानी वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाय में म्यू। अगर स्पीड बाइक का इससे छोटा हो गया तो वो गिर जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। उसको इतना स्पीड तो एटलीस्ट मेंटेन करना है। वी मिनिमम क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर बाय में म्यू। इस या तो इसके बराबर हो, इतना तो करना ही करना पड़ेगा, या इससे ज्यादा रखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा भी हम लोग नहीं कर सकते। हम ऐसा थोड़ी है कि उसकी बहुत ज्यादा स्पीड कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक ही बाइक नहीं होती, वहां पर बहुत सारी बाइक चल रही होती है, कार्स चल रही होती है। दूसरा, एक मशीन का भी एक लिमिट होता है कितनी स्पीड तक पहुंच सकता है। तो जो आपके पास वी है वो थोड़ा सेट किया जाता है कैसे, एक तो टायर्स जो है, जो आपके बाइक के टायर्स होंगे वहां से जो म्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, मिनिमम तो आगे अंडर रूट जी आर बाय म्यू कि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब जो ऊपर वाली रेंज है उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, म्यू को बढ़ा दीजिए। म्यू को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अभी देखो वी की वैल्यू आपके पास शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय में म्यू, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो आपको ये भी बड़ी करनी पड़ेगी। आप इस वैल्यू को डिक्रीज कैसे कर सकते हो, जी तो कांस्टेंट हो गया, केज का रेडियस भी चलो फिक्स हो गया, म्यू से आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग। चेंजिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे म्यू की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग, ऐसे कर लीजिए, बाय इंक्रीजिंग म्यू बाय इंक्रीजिंग कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस म्यू, वी डिक्रीज मैक्सिमम वी, ठीक है। देखो क्या है, मान लीजिए ये जो सॉल्व होके आपके पास आया 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज कुछ भी आपने वैल्यू रखा, जी की वैल्यू, आर की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आपने रखी, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड 10 से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी तरीके से मैं म्यू की वैल्यू बढ़ा देती हूँ तो मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड, म्यू बढ़ाने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपने कोई चीज बढ़ाई ये चीज घट जाएगी। म्यू बढ़ाने से क्या होगा, अब उसकी जो स्पीड है वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको कहाँ कहाँ तक रख सकते हो, भाई 5 से बढ़ाओ, 5 के बराबर, ठीक है। सो ये एक तरीका है कैसे कि ऊपर वाली रेंज को थोड़ा नीचे ले आए, क्योंकि बहुत तेजी से चलाएंगे बाइकर्स तो वो एक्सीडेंट कर सकते हैं, चोट लग सकती है, और बाइक का भी एक लिमिट होता है। एक एग्जाम्पल है 10 मीटर पर सेकेंड वाला, ठीक है। सो आप डिक्रीज कैसे करोगे, हाउ टू डिक्रीज वी, हाउ टू डिक्रीज म्यू, सॉरी, हाँ यस, वी वी को डिक्रीज कैसे करोगे, बाय इंक्रीजिंग वी। ये थोड़ा सा चेंज कीजिए, हाउ टू डिक्रीज वी, बाय इंक्रीजिंग म्यू। म्यू क्या आपके पास कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, यूज वाइडर टायर्स, चौड़े थोड़े टायर्स विद ग्रेटिंग्स। आपने देखा हो टायर में इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करके ऐसे कुछ पैटर्न बना होता है, ठीक है। तो वो यही चीज होता है,
जो म्यू है उसे इंक्रीज हो जाता है, अच्छे टायर्स में अच्छी ग्रेटिंग आपको देखने को मिलती है। तो यूज वाइडर टायर विथ गुड ग्रेटिंग, सो उससे क्या होगा, म्यू बढ़ेगा और जो मैक्सिमम रेंज है जो बाइकर को चलाना है स्पीड, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये टॉपिक यहीं तक है, इसमें सारी चीजें मैंने बता दी आपको डेथ वेल में। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज क्या मिल सकता है, जैसे हम लोगों ने कंपेयर इसको किया है एमवी स्क्वायर बाय आर, अगर वो ओमेगा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब मान लो डेथ वेल का ही क्वेश्चन और एंगुलर फ्रिक्वेंसी की टर्म में वो बात कर रहे हैं, तो आपको एमवी स्क्वायर बाय आर की जगह क्या रखना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंड आपको सेम टू सेम चीज करनी है, एफ इक्वल्स टू म्यू एन ही आएगा, एन की जगह आप क्या पुट करोगे, आप एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे, तो आपको ओमेगा की टर्म में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा कि ओमेगा कितने कितने से बड़ा होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट तो बताइए, बताओ। मैम जब हम म्यू को डिक्रीज करेंगे तो वी हमारा इंक्रीज होगा। हाँ जी बेटा, फिर आपको और भी ज्यादा रेंज, मान लीजिए आपने म्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो आपका जो ये फ्रैक्शन है ये बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा, मान लो ये पहले रेंज था कि 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर रखना है स्पीड, और ये बढ़ गया मतलब कि मान लो आप आ गए 20 मीटर पर सेकेंड, यानी अब आपको स्पीड कितना रखना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर रखना पड़ेगा। सो उस रेंज को थोड़ा नीचे लेके आ रहे हैं हम लोग, कैसे लेके आ रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग म्यू। ठीक है, ओके मैम, और बताइए, और कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में, कौन से वाला रिलेशन समझ में नहीं आया बेटा विशेष, मेंशन करिए कौन सा रिलेशन समझ में नहीं आया, थर्ड स्लाइड में या इसी स्लाइड पे बोल रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, ये अच्छा देखिए इसकी बात करते हैं। चलो ये जो बाइक है यहां पर, ये तो समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वहां पर एन आपका यूज हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एमवी स्क्वायर बाय आर, वो हमने पुट कर दिया, रेडियस जो है इसका वो आर मैंने ले लिया, सिंपल, मास जो बाइक का है, बाइक प्लस बाइकर एम हो गया। अब उस बाइकर पे दो फोर्सेस और लग रहे हैं, एक लग रहा है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक लग रहा है उसका वेट, अगर वेट ज्यादा रहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो उसके नीचे की तरफ स्लाइड करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, एक एक तो चलो सर्कल में घुमाएगा, लेकिन अगर नीचे मान लो आप सर्कल में घूम रहे हो लेकिन नीचे से आपको कोई तेजी से खींच लेगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा कर देगा तो आप नीचे गिरेंगे ना, वो गिर जाएगा नीचे, तो वो रोकने के लिए क्या जरूरी है कि जो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोकता है नीचे खिसकने से, वो ज्यादा होना चाहिए या हद से हद उसके बराबर होना चाहिए कि उसको रोक ले, गिरने नहीं दे, रिलेटिव मोशन नहीं होने दे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि mg जो है वो छोटा या बराबर हो फ्रिक्शनल फोर्स के। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, हम लोगों ने कौन सा लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है, जितना अच्छा फ्रिक्शन फोर्स है, देखो फ्रिक्शन जो सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, तो ये या फिर आपके पास टायर्स जो कांटेक्ट में है वहां पर डिपेंड करता है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये जितना ज्यादा हो उतना मेरे लिए बेहतर है, उतना ज्यादा ये चीज हैवी रख सकती हूँ मैं, मान लो पहले मान लो इन दो बाइकर प्लस बाइक का जो कंबाइन होके वेट निकलता है वो निकलता है 100 न्यूटन दोनों का कंबाइन करके, और सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 90 न्यूटन, तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए ये फ्रिक्शन फोर्स, ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है थोड़ा ज्यादा, मान लो आपके पास ये है 110 न्यूटन, तो नहीं गिरेगा नीचे, राइट, सो ये हम लोगों ने, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है वो होता है एडजस्टिंग, तो कब तक झेल सकता है, मान लीजिए वो एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप एक ब्लॉक से समझो, एक ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं हिला, और फोर्स लगाया नहीं हिला, कब हिलेगा वो, जब तक आपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे नहीं ले आए, अब क्या होता है जब आप फोर्स लगाते हो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है पीछे, वो उसको रोक लेगा, फिर और लगाया फिर रोक लेगा, फिर और लगाया फिर रोक लेगा, एक पॉइंट आएगा जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम उसके ऊपर चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास ये जो mg का वैल्यू है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ठीक है, मान लो mg का जो वैल्यू है वो बहुत कम है,
जो सपोज आपके पास जो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 40 न्यूटन और जो एम जी का वैल्यू है 20 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आपके पास 20 न्यूटन आ जाएगा, 40 नहीं आएगा 20 न्यूटन। बट ये झेल कब तक सकता है? जब तक आपने वेट 40 नहीं कर दिया तब तक तो ये झेल लेगा, एडजस्ट होता रहेगा, उसके बाद ये नहीं रोक पाएगा नीचे स्लाइड होने से। सो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके ऊपर कंडीशन चेक किया है, क्योंकि उससे पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना नीचे वेट होगा उतना एडजस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप इट इज क्लियर क्लियर। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप मुझे अलग से कॉल भी कर सकते हो, कल 11-12 बजे के आसपास फोन कर लेना कुछ अगर समझ में नहीं आए, ठीक है? और इसके पीछे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? आज की जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट किए हैं, बहुत जरूरी है सारे के सारे, और फ्रिक्शन भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चार क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, चारों के चारों ट्राई करना है, चारों के चारों आंसर्स आप निकालेंगे और कल मैं ये चेक कराऊंगी, कल आप मैच कर लेना, ठीक है? कल हम लोग कल हम जो पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स हमने सारा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सबसे पहले ये क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, तो फिर कल हमारा फोर्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, ये मैं शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, आज हम यहीं तक लेक्चर रखते हैं। बाय बेटा, बाय।